सबसे पहले हम ये पेशेंट को बिठाएंगे इधर, और ये आर्टोस्कोप है, उसका एयर एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई वैक्स तो नहीं है, कोई परफ्यूरेशन तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद हम ये टूने कोड टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये 512 हार्ट फ्रिक्वेंसी का होता है, तो हम ये चेक करते हैं, स्ट्राइक करके ना आगे रखते हैं या मेस्टोर्ड बोन पे रखते हैं, ठीक है। ये भी राइट लेफ्ट, इसके ये रिजल्ट होते हैं कि रेनी पॉजिटिव होता है या रेनी नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करते हैं टेपेनोमीट्री होता है, ये जस्ट मिडल ईयर का स्टेटस ब्लड है। इसमें ये क्लोज है ज़रा, इसमें ये चार चीज़ें होती हैं, ये देखें आप, वॉल्यूम है, कंप्लेंट्स है, प्रेशर है, ग्रेडियंट है। इसमें ये ग्राफ बनता है, तो ये हमें ग्राफ बताता है कि अगर किसी का नॉर्मल है तो नॉर्मल टेम्पेनोग्राम होगा, ये रेड है तो ये राइट ईयर का है, ये ब्लू है तो ये लेफ्ट ईयर का है। और अगर किसी का रेशा आ रहा होता है, डिस्चार्ज होता है, पर्दा फटा होता है, परफ्यूरेशन होती है, तो उसका फ्लैट आ जाता है, ये ग्राफ नहीं बनता, इट्स मीन उसका हेयरिंग प्रॉब्लम है। अगर कोई मरी कागान हार्ट हिली एरिया में जाता है, तो उसमें प्रेशर कम होने की वजह से, प्रेशर चेंज होने की वजह से उसका ये इधर आ जाएगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसमें ये टिम्पेनोग्राम है, इसमें हम ये प्रॉब होते हैं, ये कान में इंसर्ट करते हैं, ये रेड है तो ये रेड में, राइट ईयर में करते हैं, और ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट में करते हैं, ठीक है। इससे इंसर्ट करके तो वो ग्राफ बनेगा। उसके बाद पेशेंट को अंदर बिठा देते हैं, और ये आर्डियोमीटर है, इसमें ये देखें ये राइट ईयर का है, ये लेफ्ट ईयर का है। इससे ये इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ये वाले बटन से इससे हम इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। इधर ये दिखाएं इनको, ये लेफ्ट ईयर है, इसमें हम ये लेफ्ट ईयर है, इसमें हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। ये हम सबसे पहले 1 के फ्रिक्वेंसी है ये हार्ट्स के, इसके हम चेक करेंगे इसी तरह, यहाँ पे ये इस तरह हम चेक करेंगे 1 के के ऊपर है, और ये लेफ्ट ईयर, ये लेफ्ट है, ये राइट ईयर का। उसके ये बटन भी, ये राइट ईयर का है, ये लेफ्ट का है, और ये बोन का है, राइट और लेफ्ट बोन। और ये हम स्टिमुलस है, इसको प्रेस करेंगे, टून जाएगी अंदर, और ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो पेशेंट। और ये हमारा साउंड प्रूफ रूम है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा बंद है ताकि नॉइज ना आए, ठीक है। और ये हेडफोन है, तो ये राइट ईयर है तो राइट ईयर में लगाएंगे, पेशेंट बिठा के इधर उसको बताएंगे कि आवाज़ है तो आपने हाथ ऊपर करके मुझे बताना है, या ये बटन होगा तो हम बटन प्रेस करके मुझे बताएगा, ठीक है। जैसे बटन प्रेस करे तो उधर से मुझे पता लग जाएगा इसका ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। और ये एयर कंडीशन करते हैं इसके साथ। उसके बाद ये होता है बोन वाइब्रेटर, ये मिस्टर बोन होती है तो उसके पीछे लगाते हैं जहाँ पे, ठीक है। इससे हम बोन कंडीशन हो जाती है, जब ये एयर कंडीशन बोन कंडीशन हो जाए तो हमारे पास ग्राफ बनता है उधर आर्डियोग्राम पे, उसको आर्डियोग्राम मतलब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मुदस्सर। अच्छा अभी आपको क्या मसला आ रहा है कान में? कान में इतना मसला नहीं है, वैसे इस नाक की वजह से मुझे कम सुनाई देता है। किस कान में मसला आ रहा है? इससे ठीक, ज्यादा सुनाई देता है इससे कम। अच्छा कान से रेशा वगैरह तो नहीं आया? नहीं, पेशी वगैरह नहीं, कुछ भी मसला नहीं है कभी नहीं। अच्छा, वैसे दर्द भी नहीं होती? अभी मैं आपका देख लेता हूँ। ये मैंने राइट ईयर पे किया है और ये लेफ्ट का, अच्छा अभी मैं ये करूंगा तो आपने मुझे बताना है कि आवाज आगे ज्यादा सुनाई देती है या पीछे। आ रही आवाज? आ रही है? नहीं अपने यार, दोबारा सुनो। आ रही है? नहीं अपने, अभी नहीं आ रही।
अर्थ नहीं, हल्की अर्थ हल्की आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आगे ज्यादा है। हाँ इधर ज्यादा है। ठीक है, इट्स मीन रेनी पॉजिटिव, एयर कंडीशन इज बेटर। आ रही है मामूली, हल्की हल्की है। आगे इधर ठीक है। इसमें लेफ्ट ईयर में भी रेनी पॉजिटिव है, तो बायलेटर रेनी पॉजिटिव, एयर कंडीशन इज बेटर। अभी आप ऐसा करो, अंदर चलो। इधर बैठो, ये मैं हेडफोन आपके लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आवाज आएगी फोन की, इस कान में आवाज है, वो वाला हाथ पकड़ के मुझे बताना है आपने। या हाथ पर करना है या ये बटन है इसको प्रेस करना है आपने, ठीक है। आप अगर राइट में है तो राइट वाला हाथ पर करके मुझे बताना है, अगर लेफ्ट हो तो लेफ्ट वाला, ठीक है। आपने सामने देखा, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। ये जूम करना है जरूर, ये इसी तरह हम लेफ्ट ईयर का करेंगे। ये भी जूम करना जरा, ये हम लेफ्ट ईयर का कर रहे हैं, रेड वाला था राइट ईयर का और ये लेफ्ट में। इस तरह हम 1000 हर्ट्ज के ऊपर 40 डेसिबल पे स्टार्ट करेंगे, तो वो ऊपर उधर करो, वो देखो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स देंगे फिर हम 30 करेंगे, काम कर देंगे, तो ये पीछे बैक करेंगे, फिर भी ये सुन रहे हैं। इस एसी एयर कंडीशन करके उसके बाद हम करते हैं बोन कंडीशन। ये है बोन कंडीशन और इसको हम मैस्टर्ड बोन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, इसमें भी आवाज आएगी, आपने मुझे हाथ पकड़ के बताना है। अभी ये बटन जो है ना एयर कंडीशन की है और ये राइट लेफ्ट बोन की है, ठीक है। अभी मैंने इसकी बोन राइट साइड पे लगाया, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ इसकी बोन कंडीशन। ये इधर आ रहा है 1K के ऊपर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो देखिए वो अभी रिस्पॉन्स दे रहा है उसको बोन कंडीशन। अभी इधर देखो, अभी ये मैंने टेस्ट किया है तो हमारे पास ये ग्राम है, ऑडियोग्राम। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑडियोग्राम है। ये रेड वाले एयर कंडीशन है और ये ऊपर बोन कंडीशन है, ठीक है। तो इसकी हेयरिंग थ्रेशोल्ड जो है ना लेवल 25 डेसिबल से अबव, इट्स मीन इसकी हेयरिंग लेवल नॉर्मल है, ठीक है। ये रेड राइट ईयर है और ये लेफ्ट ईयर का है, दोनों कानों में इसकी हेयरिंग नॉर्मल है। मैं कहूँगा